बाबूजी बाबूजी और गायब हो गए ना सुबेर बैल की गायब है तुम घर में तेल आइए ना तुमको समझदारी है ना ले ले वो सुतुर मुर्ग नियर पतिल पतिल टांग के और किड़बिच किड़बिच चल दे तुम दिमाग एकदम खराब करके दद ले खाना बनाई के गाय तेल लिया दुकान पे कावरन बिया का तेरा कोनो इतना ताव था का हो पूरा बिछले छले वाला हां तू ही तो इतना तो बन के आई गेला कि बैठ गेला तुरंत उतरा ने तक्का करा तो गरम कर दिबा बे आउ तो सील लोड़ा पकन रंग कलर ना लगल हरदी दिन पिसा ला काया अब वही पर खून चढ़ी तोर बैठल हो जन बाबूजी खटिया बताओ से ना अब तोर खून हो तो रगड़ी बाबूजी का तो हो गया सर पड़ गयल आयरन भी आई लौकिया तो रोज 100 ग्राम बढ़ती हो का बात है सलाई पर नजर मत लगा अभी कटिया देखा नहीं छोड़ रहा जितना बढ़िया रहो ले रोज देखती बहुत लौकी फरक है का चाहते तू आम लौकी बोइना तो सारा कुके ना जर लौकिया तो आंदे से तू ए के बाबू रोज हमार बाबूजी अगोरे ना तो के का पता ठीक है हट तू नहीं तो हां हट जा सब अरे सर कैन कोई पर नहीं आ रहा था हम ओपी छमे तो तकते हैं सर कैन के बाबूजी तोरी खटिया पर पूरा जोर से बैठल है ऐसी देखा ऐसी कके अरे न देखियो इतना ताव था का ऐसी कके बैठल है तो रे माई के देख हरिया तो सर कैन को पता का था सर कैन का बाबा देखा लौकिया तो रोज 1 इंच 2 इंच बढ़े ले 100 ग्राम बढ़े ले सर ना देख तो ऊपर आम बोइना ना तो इतना बड़े बड़े लौकिया ना खटिया सर अब ना ही बाबर करे सार के कपाल ले ला तरकुल मत नहीं जा नहीं आ रहा था लौकिया के आप देख आप देख आप देख जा दे बाबूजी देखा 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 आई लौकिया अरे 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 मत मर सर कब बोले बेटा पागल रे नहीं तो हटाम के चिड़ा रहा बाबूजी ठीक है बता दे तू आदि बना बर करे तो लौकिया के ना दो बड़ा तुआ देखवा समझा दा बाबा अपने लड़का के बता देती समझा दा तोर खोपड़ी है सने के खेले में बड़ा मजा को तोर तोर बैठा था ना बाबूजी इतना मर ले लोग ना अगर हमरे कपार का स्किन साठ निकलो है कहीं गड़बड़ निकला तो तू ही सब पैसा ले बता दे पैसा हमसे ले ला जोरक्स घर वाला हां हां बोल ना बोल ना का पर्दा फाटल है तो देला पैसा आई करेंगे थरी कहां गजब बाबूजी गजब मान के नहीं तेरे पास खोपड़ी ना खोपड़ा लोकल रे कुछ कृष्णा ये मरला पहले बता था तू मरला कि तू मरला अब देखो किरो ना सार और लौकी के नहीं आ रहा था सार का अंकल नमक हलाल बेशरम ना लाए कुत्ता बे हटा के मरला तू वो कि तू हम मर ले बोल तू मरला ना काटो वो दे के पारी तू ही मरला लगे मकान का पर्दा फाटल पैसा ना देला दवाई के अगर तू ना देला पैसा स्किन साठ जाती करवावे अगर तनको गड़बड़ निकल तो तू वहीं से पैसा ले बता देती तो जो नसियो का बाबूए जी का नाम है तू जो करा तो जो पैसा लगा नाम थोड़ी है जो ठीक है या या जा के भले स्किन साठ मरवा ले आई ललाऊ की नहीं अरे बाबू जी हम कबे से जोते रहे एक तू रहला तो तन सालिया जी के दोस्ती मित्र बढ़ावत हो यहां लिया करे कर रख लिया था रखेलिया चुलिया में निकाल के रखेलिया बाबूजी अब रखिया कर बजा पहले तेल लेके तब राखी फेंके जाई अरे सार कन के नदिया था सार कन के डेली खटिया बिछा के गोरत है एक सार कन के 3 दिन 4 दिन के बाद एक तरी बढ़िया सब्जी बनाई बचा दाल में डालब एकदम खतरनाक एकदम बनाई दे लेकिन ओके हम ना बोलौनी बाबूजी वो अपन से आइ लल एक बड़ी ओरी डाल के खतरनाक बनाई दे त ल दे रे हटा दी तो पापा कहां रखिया से नहीं रे सारा कन हां ई का कतला छी 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 के खाइयो सर कन के नजुरिया ते तो कला शर्म लग अच्छा काला की का लगला का बाबूजी गजब गजब बाबूजी खूब बढ़िया लगल हमारे पड़ी आवाज सा लग नजुरिया वा अखिया चारा चाल के लट्टा करा सर लौकी मतिन कोणा मतिन कपाल ले वा ऐसे रखा था वा आई ले तो पहले ही पर नजरिया लग गलो से बाबूजी राजी हो सही कहां जा था अथवा डोले ही ये कि घर पोताई रगाई में पैसा तो लगल बाकी देखे ला खो गए का बाकी एक कुल नजरिया ने बात तो अपन में रारू से तो नहीं के हरिया हरिया रंग देरे करिया रे करके टिकले तबा टंगले तबा चलो सही बा कोई कुल का करी है ना परेशान कर दो समरे गांव वाला देख देख के एक एकदम मदमाशी लग गई अरे नमस्कार दा भैया नमस्कार को भैया कहां जा था हाल चाल है
ठीक बात देखत रह मरा को नजरिया देत हम सर इतना पैसा ऐसा लगो नहीं हां आई डलिया अपने रहत बोल हां यार जो है ना तमे फट जाता है एकदम कलर में एकदम गड़बड़ा जाते का अच्छा कहां जात हो कहां ना कुल रंग देला को पीको को आरी वाली तो लगा देला ताको अरे कहां अपनी मेरा रूम नरी से कहने की तो कहां रंग ले मले बाल लगुल तो बा अच्छा अच्छा ठीक तो कहले हम आओ जाती बाजार करे हो तन साग सब्जी ले आवे कैसन चढ़े चल देला अरे का करे मारे बारिश होत टिपटिपा थन चढ़े अपनी निपट ले साग सब्जी ले ले बारिश के मौसम में सही किला काले बा हो ये कुल याई कुल देख जाई साग सब्जी कु का ये कुल सब्जी चली अरे बा बारिश के मौसम में लिए इतना चिकन उकन बनवता ना है तो पितर पक खन हां आई अरे या हां बोला सही है कि ना ठीक तो सही है ना हां अरे बेल पैसा लगा ला अड़िया अड़िया कुल कहीं नहीं है देखते वाला एकदम फिट रंगले बाणी हो तो हर तो एकदम देखो ना फुलवाड़ी उड़े लगा एकदम सही करवा दे अब देखम ठीक लगा ना अरे एकदम टकाटक खबी दम पूछग ना आलो से पैसो लगा लो भैया मजाक ना हां हां सही बात पैसा खर्च बोले मैं चला ठीक है भाई पैसा लगा तो चबन करी अरे ओलदार साहब नमस्कार 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 कहां बा हेलो अरे सर जी चलो ना लगा के पैसा ले लेते और आपस में बांट ले लो अभी तक कल यहां आई लला आप कहां से बुलाए थे बुड्ढो को साहब बुलाया था थाने पर चले आना बुड्ढा गया है ना इसीलिए मुझे आना पड़ा इतने बड़े थाना में मैं एक बड़ा नजर आता हूँ जब कोई उठता है तिलकधारी चलो जाओ उस गांव में तिलकधारी उस गांव में चलो मुझे तो एकदम चक्रधारी बना दिए सब इतना बढ़िया बात हुआ नाम बहुत बढ़िया ला आपस में पैसा बांट लेते हैं और सेलो भी नहीं लगाते परेशान कर दिया लगता है कि मैं बीबी और बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे तू बुझते ना हुए तो ही के ना परेशान कर पूरा गांव डकडोल के लो बुढ़ो अरे मुझको तो गुस्सा आ रहा है इस बुढ़ो पर इस गांव पर मैं तो कह रहा फारिक ये कहां से तिलकधारी भैया ये का कदला है साहब ओ ये कैसे गिर गया टंगला रानी अपनी घर खाती है तू मरला एकदम कुल खत्म कर दला के चलो जाने दो हां डा है कि नहीं गांव में है घर पर जा ओ जा हां इतना गुस्सा दे मार मत दिया उनके एकदम बुड्ढा परेशान कर दिया साहब बोला जा जा उड़ा दे जा उड़ा दे जा तिलक ये बड़ा हरामी बा मर्दवान है इतना मेरा रूम में बढ़िया से टंगले रहिए जे हाड़ी टिक टक आदमी नुकसान हो गए देखत बा देखा यहां तो कहले बुढ़वा का करी दे था मु यो ना डर लगा था हमके समझिए चल था अच्छा बच्चा चल जा चलो चलो जा चला पूरे नुकसान पे चलो बाबूजी बस तीन चार दिन और हमके लगा था तीन चार दिन में लौकी एकदम खाए लाख हो जाए ना लौकिया के साथ ध्यान लगे नहीं ध्यान अल्लाह करा को मांग ले यादा बस मुझे नहीं बाबूजी जैसे ही बड़ी ना तो गांव में से के उसे दूध मांग के लेके एकदम एक छौ को के लौकिया के चावल और मिक्स के एक नंबर का चावल बनाओ के पूरा गांव वालन के तनी तनी चिखाओ के हमार की घरे लौकी फरल लगे गांव के चिखाइबा अपन चिखे यही खातिर हम डेली के बढ़ावा थे कि जाबर खाए कई साल हो गए जाबर खाइले बिना सारा मुंह से भकर भकर पानी फेंक वही से ना बाबूजी जब तू चला था हम अगर बुड्ढा का बुड्ढा हां बुड्ढा का बुड्ढा उसको गरवा में बाबू जी अब बारो भूकंप पहले एकदम हलकंप मचा के मड़ई ना ना हिला आज बुड्ढा के हम आए अंदर कौन चिल्ला थरे साला का आए अंदर आए कौन अरे साहब तो बोला 10 बजे आने से थाने में क्यों नहीं आए खाना बनाते नहीं हो भैया खाना बनाते जब कोटेदार से झगड़ा हुआ था सुल्ला हो गया था तो फिर क्यों केस किए केस क्यों किए फिर वो हमके मरले का धमकी देत रहला मरले का धमकी का तुम्हारी बीवी जब एक्सपायर हो गई है तब सुल्ला नामा हो गया था तो फिर क्यों केस किए आई बैठी आराम से बात करी तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो नहीं मैंने पढ़ल तो 10 बजे वेदना में था ये था बुड्ढे को तो खाना ये बना ना हमार सहुर ना खाना जब बनाना था क्यों की केस क्यों किए खाना बनाना था तो हम भूखे मर गए लती चल गेला तो थाना पता काजू बुड्ढे जब तुम केस कर केस कियो तुम्हारे चलते 50-60 केस मुझको ही देखना पड़ता है करो साले बुड्ढे बोल तेरे माई तो गरिया बत रे तुमको पता नहीं है तो मेरा नाम तिलक धारी अब धुआं धुआं कर दूंगा डेली साला तुम्हारा ही केस आता है जब पेपर डालता है थाने में पूरा एसपी डीएसपी सब कोई भाई जब मुझे आगे ठेलते तो तिलक धारी जाओ करो साले बोल इतना बाबूजी का नाम चल रहा थाना में थाने में तुमको जब कहा गया कि 10 बजे पहुंचना क्यों नहीं पहुंचे बेश्रम कहीं का
क्यों नहीं पहुँचे? खाना ना बनाते नहीं हो साहब। तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे इतना जितना गुस्सा आता तुम्हारे ऊपर, उस गुस्सा में अपने बीवी पर उतारता हूँ। 12-13 लड़के मेरे पैदा हो गए पता है तुमको, और एक भी का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। बताओ, जब जाता है चेहरा देख रहे, हेलो तिलक दारी कहाँ पर, बुढ़े का केस आ गया, तुम चले जाओ। तो क्या कला पैदा करे बोला भी, क्या कला पैदा, तुम्हारे चक्कर में बीवी बच्चे का चेहरा नहीं देख पाता। तो भैया लग गयो धांधल, चलियो भैया। बोलो बाबूजी, मर जी हर रढ़ुआ हो जाए भाम भैया, अरे घुमाऊ ले रहा है मीर की टाइ मती देख के था ना हाली। बाबूजी बड़ा तगड़ा, शांति से काम निकाला। करो साले बुड्ढे, बोलो है गरिया मत हो भैया तू। बोलो कि तुम जाना अभी मारे ना, मन तो कर रहा है कि तुम्हारा पूरा गरियावत कैसा ना हो, तेरी बाप समान ना हो। अबे चीना तो ना हो तू, बाप समान है। इसके चक्कर में पूरा शरीर मेरा इसके जैसा हो गया है, देख ना पहले इतना बड़ा बड़ा था पूरा पिघल गया है। तो खाना ना ना मिले ला, खाना ना जब खाते जाते तिलक धारी कहाँ पर हो, बुढ़े का कैसे आ गया, चलो जाओ। के झूठा ही कुल भेद देना, अरे बोलो तो बेसी। हम कुछ नहीं बोली हूँ, हम आपको कुछ नहीं बोली हूँ, माँ कसम माँ तारी कसम खाकर विद्या, मैं आपको कुछ बोलू ही नहीं, बोलो ही मैं कुछ बोलवा है, मैं कुछ बोलवा रहा है तुमको। खाली ये कहना कि बोली तो मार रही हो, अभी चली जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा, उसके आवाज से मर जाओ। आवाज में बोलोगे, ऊंची आवाज में बोलोगे, क्या बोलता हो, ऊंची आवाज में बोलोगे, अभी मारेंगे तो थप्पड़ ना। बाबूजी मुआ है नहीं घुमा ले रहा। बोलो केस कौन देखेगा, तुम्हारे चक्कर में बताओ बुड्ढे बाबा, तुम्हारे चक्कर में डेली दौड़ दौड़ के आना पड़ता है, डेली दौड़ दौड़ के आना पड़ता है। मेरी बीवी बोल रही थी कहाँ हो तिलक धारी, जानू कहाँ, तब तक मैं फोन उठा के कहता हूँ हेलो बुड़को बना कैसे आ गया, मैं जा रहा हूँ। बोलोगे फिर बोलोगे तुम्हारे चक्कर में मेरा पिछवाड़ा एकदम पतला हो गया है, मेरा सपना था लाल बत्ती में घूमने का, तुम्हारे चक्कर में मैं हवलदार बन गया, बेशरम कहीं का कुत्ता कहीं का। एकदम गुस्सा भर रहा है, जब मैं दरोगा बनने वाला ही था तो मैं एक नंबर से फील्ड मार दिया, तब तक फोन आ जाता है हेलो तिलक धारी कहाँ पर हो, जाओ बुड्ढे का केस आ गया, तुम ही हल करो जाओ। हट बेशरम कहीं का, एकदम गुस्सा है, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने बीवी बच्चे का चेहरा नहीं देख पाता हूँ, मुझको पड़ा है मेरा बच्चा की किसी और को पड़ा है। बोले बेशरम कहीं का, बोल हट, एकदम गुस्सा है, मन तो कर रहा है कि एकदम एकदम गुस्सा हो रहा है, बीवी बच्चे का जब गुस्सा आता ना बीवी बच्चे का, तो रुका। आय बाबू जी पूरा सपना तोड़ दिला ये हवलदार साहब, तू तो पूरा एकदम जा, कोई दिन से बैठ के गोरत रहनी है जा। तोरे लोकल ना हवलदार भैया, पूरा होल का दिला हो बाबू जी, छेद का दिला तोरे, इतना बढ़िया गोली चला रहा तोरे, गोली में आग लगो। बोलो क्या भी कौन चाचा कौन है कि कल आ जाना थाने पर, तुम्हारा चक्कर में, तुम्हारा चक्कर में मैं आज तक अपने बीवी और बच्चे का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ चाचा, हाथ जोड़ी में कल 10 बजे आ जाइए थाना पर। तो कहा 12 को पैदा कर दिया, जब चेहरा देखने वाला जाते हैं और मेरा इल्ला पिल्ला कहा है, तब तक फोन आ जाता है, जाओ बुढ़े का केस आ गया, जाओ तिलक। जो गोलियां चला के इतना में आई पूरा जबर खाए कर रही है, 15 दिन से आई लौकिया गोरत है, का कहला कवर गोली चलेला हो। बोलोगे बोलो भाभी, करम बुढ़े कल सुबह आ जाना 10 बजे, कोनो गाँव का ना मिले। ठीक बाबूजी, कल 10 बजे चल जिया, कल 10 बजे आ जाना। चाचा अब से हाथ जोड़ी बा, कल आ जाना 10 बजे, आओगे कि नहीं आओगे? आई बो भैया, आई जा 10 बजे। कौन बजे? 10 बजे। तुम्हारे चक्कर में दौड़ दौड़ के देख नहीं रहो कितना हालत हो गया लकड़ी की तरह। अब तो टेंशन और दे देना, क्या पता 10 बजे टेंशन में रही है तो कैसे जाइए। हाथ जोड़ी बा, तुम्हारा केस सॉल्व कर लूंगा तो मैं अपनी बीवी बच्चे का चेहरा देख लूंगा, हाथ जोड़ी बा, कल आ जाना मुझे 10 बजे। अब कैसे जाबर बनी बाबूजी, इतना सारा कैसे मतलब धाय दे रहे, पूरा चीथरी हो गया।
अरे मैया तबरे देखे कौन हवलदार पपिया बना दे कौन सरकार अरे कि हवलदार तो रोगाइन के बना दे था जौन आनर बेबर हवा को लुखा हम सारा कहन के चोर चाहे जना था कि दरुआ ठीक हवा पर कौन लोटा लल वही के लिया के बना दे रखे एक मैया तबे सारा टिटी रामतिन बा एकदम में ऊंचा मतिन बा कैसे बारह गो पैदा कर का करब तोरो ते इतना केस थाना पर चल जात बा कि केवाई जल्दी देख रहा है साका उतना मारे जोश न रहे बारह गो पैदा करू कैसे टिटीरे मतिन बारे के आखिया नकिया में खूने ना सारा कहन के बारह गो पैदा कर देला बाबूजी अब ये सर हवलदार इते सर मल्ले के पूरा छेद मति लोगल रे ते गोलिया बड़ा खतरनाक मल्ले चला बाबूजी जायदा ई त का तोरी खोपड़िया में ना मरला चला ए परे का धोके बनाई जा आ सर हवलदार हवा तो का गोली सब पूरा बम से उड़ाई वा सर कहन का अबले ना जो साइल का तो आ हां तब तो घुसकतर ला जे सेंट आटा तो का कहना गोली सरकार देता सर कहे चला देता हवलदार का सर पापर का सर पिछवाड़ा ले ले चलने का ढंग ना एक गोली गोला लाद ले ले सर कहे का न तो बोला नहीं तो सुन ली तबे बौरा के चली आई हो चाहे ना तो सन क्या हवलदार बना दे रे कौन सरकार है के सारा टिटरा हवा मिर्गी टावा के बना दे हवलदार पिलावा सारा कहे के आटा गीला कह दे हमार गोली चला था सारा बिना निशाना का बड़ा घुमाइला ना साला ते करे मैया त्याग रे कई दिन से लौकी के टीका तो नहीं हाँ यही पसारा नहीं साला कोई राधे लावा तीन चार दिन से हम तोरी चतरी मचो ना खेले जात रहनी है कि जब तू जात रहना तब हम ओके अगोर तरनी है अब लाखा उड़ा दिया लस तब तोप से अब हम ओके बहुत बढ़िया डॉन बने के परी चुप रहा का तू डॉन बनवा हो खाली जुटिया का गाला गोली बंदूक रख नहीं तोरी घर में गोली बंदूक चला के उचल गई हत्या करवा के हमरा या मत महीना का महीना गोली छोली अरे रहे तो चली अब अंदर वा नहीं तो आ जाई ना तो तू अरे बढ़िया लगा दे नहीं छिट्टा का छिट्टा गोली चली महीना धुआं उठी खोखा बिना वाला करोड़पति बनी हवलदार और सार का इनका सारी इंडियन हम क्या ओके छेड़ी ला ना जब हम क्या उछेड़े ला तो ओके छोड़ी ला ना अरे तो क्या छोड़ो ना सर हवलदार तो और केस करो तुम्हारी ऊपर अब केस चली अब पूरा गांव के अटा बोकरी पे केस चला सारा हम लौकी पर सारा का इनका गोली चला दे ला कैसे गोली गोली का जवाब दे सारा कहा चले ले सरकारी का गोली चला ला ओकरी पे चले केस कर बता अरे बाबूजी रहा था थाना में बन के कुएं लग जा सो नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरी समाज के पैर छूके प्रणाम और हमनी के बीड़ी कॉमेडी ग्रोह कॉमेडी चैनल में आप सबके रोज ऐसे ही हंसे हंसाए वाला शिक्षा वाला और इंटरटेनमेंट वाला वीडियो देखे के मिली तो आज का वीडियो तो आप लोग देखे कहीं भैया की हमारे बाबू जी कितना केस कर दिले हमारे थाने पर की पुलिस दरोगा हवलदार तक एकदम पूरा सब कोई परेशान हो गए भाई आ रोज इनसे आवत बाड़ा पुलिस दरोगा पैसा लेके जात बाड़ा और बाबू जी थाना पर हमारे जाना तो पैसा दे ही के आवल भैया तो जतनी का केस ना जतनी का झगड़ा ना भैया उससे ज्यादा तो हमारे घर का पैसा चल गया भैया तो हमने के वीडियो बनौला का मेन मकसद ये भाई कि अगर केहू में भी अगर झगड़ा लड़ाई होता तो पहली बात तो केहू से झगड़ा लड़ाई करे के ना चाहिए अगर भाई दो झगड़ा लड़ाई अगर हो भी जाता तो ओके आपस में समझ ले चाहे गाँव की प्रधान से मिल ले चाहे पंचायत बिटोर के आपस में गाँव का मैटर गाँव में सुलझा ले चाहे ना कि बहरी कोनो खबर जाए भैया कि गांव में बेइज्जती बहरे का आदमी माजा ले ऐसा कोनो गलती ना कर जाए अब पुलिस थाना में बहुत सोच समझ के जाए चाहिए ना कि छोटी छोटी बात पर तुरंत चल के नहीं थाना में केस करे लगनी भैया तो ये कुल बहुत बड़ा मूर्खता है और वीडियो में हमने से कोनो भी गलती भले चाहे कोनो उल्टा शब्द बोला ले भैया तो अपन छोट नाती पोता बेटा समझ के माफ कर भैया छोटका भैया बड़का भैया गोड़ छके गोल लगा थी तो देखो मैं कह ला लोगों हमारी मती हवलदार रही तो केस कैसे रह जाए तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती बा कि छोटी छोटी बात के लेके थाना पर ना जाके चाहिए आपस में प्रधान जी से मिल के गाँव पूरा से मिल के आपस में समझ बुझ ले चाहिए ना कि दौड़ दौड़ के थाने पर जेबा तो आपके का नुकसान है और जो भी वीडियो में हमसे गलती भलाई तो हम लड़का समझ के माफ करिए बड़का भैया और जैसे का प्यार दुलार आप सब हमनी के पूरा टीम पर बनौले बानी भैया वैसे ही प्यार दुलार हमनी के प्यारा सा चैनल बीड़ी कॉमेडी गुरुवा कॉमेडी पर बनौले रह जा और यही जैसे दिन जब विदाई अगले वीडियो में आप लोग से फिर मिल जाए जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।